श्री सीतानाथ राम जी का शील स्वभाव सुनकर जिनके मन में आनंद नहीं होता, जिसके मन में आनंद नहीं होता, जिसका शरीर पुलकायमान नहीं होता, जिनके नेत्रों में प्रेम के आंसू नहीं भर आते, वह दुष्ट धूल फाकता फिरे तो भी ठीक है। बचपन से ही पिता माता भाई गुरु नौकर मंत्री और मित्र यही कहते हैं कि हम में से किसी ने स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के चंद्र मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा। उनके साथ तो उनके तीनों भाई और नगर के दूसरे बालक खेलते हैं। उनकी अनिति और हानियों को वे सदा देखते रहते हैं और अपनी जीते में भी उनको प्रसन्न करने के लिए हार मान लेते थे तथा उन लोगों को पुकार पुकार कर प्रेम से अपना दाव देते और दूसरों से दिलाते थे। चरण का स्पर्श होते ही पत्थर की शिला हल्या सांप के संताप से छूट गई, उसे सदगति दे दी, पर इस बात का तो उसके मन में कुछ भी हर्ष नहीं हुआ। उल्टे इस बात का पश्चाताप अवश्य हुआ कि ऋषि पत्नी के मेरे चरण क्यों लग गए। शिव जी का धनुष तोड़कर राजाओं का मान हर लिया, इससे जब परशुराम जी ने आगर क्रोध किया तब उनका अपराध क्षमा करके उल्टे श्री लक्ष्मण जी से माफी मंगवाई और स्वयं उनके चरणों पर गिर पड़े। इतनी ही सहिष्णुता और कहीं नहीं है। राजा दशरथ ने राज्य देने को कहकर कैके के वश में होने के कारण वनवास दे दिया और इसी ग्लानी के मारे वे मर भी गए। ऐसी बुरी माता कैके का मन भी आप ऐसे संभाल रहे जैसे कोई अपने शरीर के मर्म स्थान के घाव को देखता रहता है। यथार्थ आप सदा उसके मन के अनुसार ही चलते रहे। आज जब आप हनुमान जी की सेवा के वश होकर उसके उपकृत हो गए तब उनसे कहा कि ये पवन सुत यहाँ आ, तुझे देने को तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तेरा ऋणी हूँ, तू मेरा महाजन है, तू चाहे तो मुझसे लिखा पढ़ी करवा ले। सुग्रीव और विभीषण ने अपना कपट भाव नहीं छोड़ा, परंतु आपने तो उन्हें अपना ही लिया। भरत जी का तो सदा भारी सभा में आप सम्मान करते रहे हैं, उनकी प्रशंसा करते करते तो आपके हृदय में तृप्ति नहीं होती। भक्तों पर आपने जो जो दया और उपकार किया है उनकी तो चर्चा चलते ही आप लज्जा से मानो गड़ जाते हैं। आप अपनी प्रशंसा आपको सुहाती ही नहीं, पर जो एक बार भी आपको प्रणाम करता है और शरण में आ जाता है, आप सदा उनका यश वर्णन करते हैं, सुनते हैं और कह कह कर दूसरों से गान करवाते हैं। ऐसे कोमल हृदय श्री राम जी के गुण समूह को समझ कर मेरे हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई है। हे तुलसीदास, इस प्रेमानंद के कारण तू अनायास श्री राम के चरण कमलों को प्राप्त करेगा। हे नाथ, आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाओ, संसार में पतित पावन नाम और किसका है, आपकी भांति दिन दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं। आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठपूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया है। किस देवता ने पशु मतलब जटायु पक्षी मतलब रुक्षवान आदि व्याघ्र मतलब वाल्मीकि पत्थर यानी अहल्या जड़ वृक्ष मतलब यमला अर्जुन और यवनों का उद्धार किया है। देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के वश से स्वयं बधा हुआ दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकता है। इसलिए प्रभु ये तुलसीदास अपने को उस लोगों के हाथों में सौंप कर क्या करें। हे हरे, आपने बड़ी दया की जो मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ साधनों के स्थान मनुष्य शरीर को कृपापूर्वक दे दिया। यद्यपि आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता, तथापि हे नाथ, मैं कुछ और मांगता हूँ, आप बड़े उदार है, मुझे कृपा करके दीजिए। मेरा मन रूपी मन
मन रूपी मच्छर विषय रूपी जल से एक जपल के लिए भी अलग नहीं होता। इससे मैं अत्यंत दारुण दुख सह रहा हूँ। बार बार अनेक योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ता है। इस मनरूपी मच्छर को पकड़ने के लिए मैं, हे राम जी, आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए और अपने चरण के चिन्ह अंकुशों को वंशी का कार्ड बनाइए। उनमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा दीपका दीजिए। इस प्रकार मेरे मन रूपी मच्छर को वेद कर यथार्थ विष रूपी जल से बाहर निकाल कर मेरा दुख दूर कर दीजिए। आपके लिए तो यह एक खेल ही होगा। यूँ तो वेद में अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी बहुत से हैं, पर यह दिन किस किस का निहोरा करता फिरे। हे तुलसीदास, जिसने इस जीव को मोह की डोरी में बांधा है वही इसे छुड़ाएगा। हे रामनाथ जी, हे नाथ, मेरी यही विनती है कि इस जीव को दूसरे साधन, देवता या कर्मों पर जो आशा, विश्वास और भरोसा है, उस मूर्खता को आप हर लीजिए। राम, मैं पर सुभगति, सदबुद्धि, धन संपत्ति, रिद्धि सिद्धि और बड़ी भारी बढ़ाई आदि कुछ भी नहीं चाहता। बस मेरा तो आपके चरण कमलों में दिनों दिन अधिक से अधिक अनन्य और विशुद्ध प्रेम बढ़ता रहे, यही चाहता हूँ। मुझे अपने बुरे कर्म जबरदस्ती जिस योनियों में ले जाए उस योनियों में ही एना, जैसे कछुआ अपने अंडों को नहीं छोड़ता, वैसे ही आप पल भर के लिए अपनी कृपा न छोड़ना है प्रभु नाथ। इस संसार में जहाँ तक इस शरीर का स्त्री पुत्र परिवार आदि प्रेम विश्वास और संबंध है, सो सब एक ही स्थान पर सिमट कर केवल आपसे ही हो जाए। मैं तो श्री जानकी इस जीवन रघुनाथ पर जी पर अपने को नौछावर कर दूंगा। मेरा मन यही कहता है कि अब मैं श्री सीताराम जी के चरणों को छोड़कर दूसरे जगह कहीं भी नहीं जाऊंगा। मेरे हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अपने स्वामी श्री राम जी के चरणों से विमुख होकर मैं स्वप्न में भी कहीं सुख नहीं पा सकूंगा। इससे मैं मन को तथा इस शरीर में रहने वाले इंद्रियादि सभी को यही उपदेश दूंगा। कानों से दूसरी बात नहीं सुनूंगा, जीभ से दूसरे की चर्चा नहीं करूंगा, नेत्रों को दूसरी ओर ताकने से रोक लूंगा और ये मस्तक केवल भगवान को ही झुकाऊंगा। अब प्रभु के साथ नाता और प्रेम करके दूसरे सबसे नाता और प्रेम तोड़ दूंगा। इस संसार में तो तुलसीदास जिसका दास कहूंगा, फिर अपने सारे कर्मों का बोझ भी उसी स्वामी पर रहेगा। अब तक तो ये आयु व्यर्थ ही नष्ट हो गई, परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। श्री राम जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है, मैं संसार की माया रात्रि से जग गया हूँ। अब जागने पर फिर माया का बिछोना नहीं बिछाऊंगा, अब फिर माया के फंदे में नहीं फंसूंगा। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है, उसे हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं गिरने दूंगा, अथवा हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूंगा और हाथ में से राम नाम की माला जपा करूंगा। श्री रघुनाथ जी का जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कसूंगा। यथार्थ ये देखूंगा कि श्री राम जी के ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लगता है कि नहीं। जब तक मैं इंद्रियों के वश में था तब तक उन्होंने मुझे मनमाना नचा नचा कर मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उसने अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। अब तो अपने मन रूपी भ्रमरों को प्राण करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा। यथार्थ श्री राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह मन को जाने नहीं दूंगा।